Good morning, 12th class students. Today we will discuss about EMF of a cell, internal resistance of a cell, and various graphs between E and R, V and R, and V and I. अगला हमारा टॉपिक है बच्चों EMF of a cell. E means electro, M motive, F है यहाँ पे force, electromotive force. क्या मतलब हुआ? EMF of a cell उतना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा एक सेल का जितना पोटेंशियल डिफरेंस एक यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किट में वर्कडन करने के लिए चाहिए. तो हम ये कह सकते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन देखो इसकी, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड द होल सर्किट. ठीक है, तो पूरे सर्किट में एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जितने वर्क डन की हमें जरूरत होती है वो उसका ईएमएफ होता है. और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों ईएमएफ को? और ईएमएफ इज दी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल when no current is drawn from it. हाँ जी, पहली डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि भाई जो EMF है वो है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज वन अराउंड अ होल सर्किट. मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, दिस इज द सेल, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज द वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू ईएमएफ इन मूविंग व्हाट? यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज विद अ पोटेंशियल डिफरेंस वी. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों? यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए वही ईएमएफ के इक्वल होता है. और वर्क डन हमने पहले पढ़ा था क्यू वी के इक्वल होता है, क्यू इनटू वी के इक्वल होती है वर्क डन. तो अगर मैं यहां पे क्यू को वन कर दूंगा, यूनिट चार्ज कर दूंगा, तो ईएमएफ वी के इक्वल आ जाएगा. और क्यू वी वर्क डन के इक्वल है, तो वर्क डन इज इक्वल टू ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू वी. दैट मींस ईएमएफ इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज वन अराउंड द होल सर्किट. एक यूनिट चार्ज मान लो यहां पे वन यूनिट चार्ज, वो यहां से चला और इस नेगेटिव टर्मिनल तक आ गया, उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया. जितनी वोल्टेज ने यूनिट चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव तक पहुंचाया एक कंप्लीट सर्किट में, उतनी वोल्टेज ही ईएमएफ के इक्वल होती है, उतना वर्क डन ही ईएमएफ के इक्वल होता है. दूसरी डेफिनेशन है ईएमएफ की, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट. मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रिकल शॉप से कोई नया सेल खरीद के लाए हैं, वो सेल अब तक यूज नहीं हुआ है, उस सेल से आपने कोई वायर या बल्ब कनेक्ट नहीं किया है, कोई करंट उसमें से निकाला नहीं है, उस टाइम पर जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, उस समय जो अगर हम वोल्ट मीटर लगा के चेक करें उसकी वोल्टेज कितनी है, वो वोल्टेज ही सेल की ईएमएफ होती है. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, एंड दिस कंडीशन इन फिजिक्स इज कॉल्ड ओपन सर्किट कंडीशन. तो हम ये भी कह सकते हैं EMF of a cell is the potential difference of a cell when cell is in the open circuit. और बच्चों open circuit का meaning क्या है? जब हम कोई current draw नहीं कर रहे. Current draw ना करने का क्या meaning है? Current draw ना करने का meaning है कोई wire या bulb हमने नहीं लगा रखा. Simple सी language में हम कहें तो cell use नहीं हो रहा. जब सेल यूज नहीं हो रहा होता है उस समय पर जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ ऑफ ए सेल बोलते हैं. तो ईएमएफ की यूनिट क्या होंगी? यूनिट्स ऑफ ईएमएफ वोल्ट ही होंगी, जो वोल्टेज की होती हैं. तो यूनिट्स होती हैं इसकी वोल्ट. और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका? सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस. डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? सेम एज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये जो हमने बात करी अभी ईएमएफ के बारे में करी, अब हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. तो ये था आपका ईएमएफ ऑफ ए सेल, डेफिनेशन इसकी लिख लें, दोनों आपको आनी चाहिए.
इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज वंस अराउंड द होल सर्किट. एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट वोल्टेज इज इक्वल टू द ईएमएफ, क्यू की वैल्यू वन हो जाएगी. क्लियर? और इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ सेल व्हेन सेल इज इन द ओपन सर्किट, जब सेल यूज नहीं हो रहा, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, यानी सेल का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, यस. सिंबल क्या है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का? स्मॉल आर. स्टूडेंट्स, आप अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ध्यान से देखें, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दिस रोड इज एनोड, पॉजिटिव चार्ज, दिस इलेक्ट्रोड इज कैथोड एंड दिस इज अ वायर, एक्सटर्नल वायर हैविंग आर रेजिस्टेंस. क्लियर? देर आर सम आयंस प्रेजेंट इन दिस लिक्विड, दिस लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. सेल के अंदर क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट है. तो बच्चों होता क्या है, जब आयंस, चार्ज आयंस विद इन द सेल मूव करने की कोशिश करते हैं तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट उसको कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं आयंस की मूवमेंट को. तो हम ये कह सकते हैं द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल. इलेक्ट्रोड्स एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल. तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं सेल के इलेक्ट्रोड्स और साथ साथ उसका इलेक्ट्रोलाइट, उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल से बुलाते हैं. तो क्लियर है स्टूडेंट? अब ये बात आप ध्यान रखें, बाहर जो आपके चार्ज कैरियर चलते हैं इलेक्ट्रॉन, वो आपने सीखा था इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड. अंदर जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो होती है विद इन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव. तो एक कंप्लीट सर्कल हो गया ना. एक्सटर्नल जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन चलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव. विद इन द सेल इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है. तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को यहां पर रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट, इसी रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बोलते हैं. और यह रेजिस्टेंस ऑफर किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोड भी रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए और इलेक्ट्रोलाइट भी रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के लिए. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है? पहला, फैक्टर्स ऑन विच दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जो सेल का अंदर का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है. पहला है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है, कितना वो आयनाइज हो सकता है, उसका नेचर कैसा है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है. तो नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे ये चीजें, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक बात. दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड जितना दूर जाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इंक्रीज करेगा. तो इट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स. हाँ जी, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड्स का उतना ही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बढ़ता जाएगा. तो इट इज व्हाट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. पॉइंट नंबर 3 है टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. अगर टेम्परेचर घटाएंगे आप तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. फोर्थ फैक्टर है एरिया
ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में कितना एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड है, जितना ज्यादा एरिया डिप्ड होगा, जितना ज्यादा एरिया डिप्ड होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप इन द इलेक्ट्रोलाइट के। और पांचवा है, बहुत ही सिंपल है, एज ऑफ द सेल, जितना सेल बूढ़ा होता जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना आप सेल को यूज करते जाएंगे, जितना आप सेल में से करंट ड्रॉ करते जाएंगे, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। तो फ्रेश सेल जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है बजाय के एक पुराने सेल के जो यूज हो चुका है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एज ऑफ द सेल पे भी डिपेंड करता है। एज का मतलब है यहां पर हाउ मच वी आर यूजिंग दैट सेल, कितने पीरियड तक हमने उसको यूज किया है। तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल की डेफिनेशन थी, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, एंड फाइव फैक्टर्स जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड करता है, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस सॉल्यूशन की नेचर पे और इसकी कंसंट्रेशन पे। दूसरा, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जितना इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस बढ़ाएंगे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बढ़ेगा। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, टेम्परेचर अगर घटेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया अगर आप घटाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और आखिरी मैंने आपको पांचवा फैक्टर बताया, एज ऑफ द सेल, जितना सेल बूढ़ा होता जाएगा, जितना सेल का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा यूज करने का, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो अब तक हमने दो फैक्टर पढ़ चुके हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक इक्वेशन ऑफ ए सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If you want to study cell in series, cell in parallel, तो आपको basic equation of a cell आनी चाहिए अच्छे से, ध्यान से देखिए भाई। तो अब हम पढ़ेंगे basic equation of a cell। Yes, देखिए इधर। Yes, देखिए, ये एक external wire है R resistance की, ठीक है। ये हमारे पास एक cell है इलेक्ट्रोलाइटिक, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों R, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। अब ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है। अब मैं कहता हूं, आपको याद दिलाता हूं, व्हाट वाज ईएमएफ, ईएमएफ क्या था, ईएमएफ था वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज वंस अराउंड द होल सर्किट, वंस अराउंड द होल सर्किट। बेटा आप ध्यान देना, ये इक्वेशन बनेगी कैसे, ईएमएफ का सिंबल क्या था, ई, ठीक है। थोड़ा करली में लिखते हैं हम ईएमएफ के सिंबल को, कैपिटल ई नहीं लिखते जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है, थोड़ा सा कर्ल में लिखेंगे। अब बेटा एक बात बताओ, यहां से करंट गया पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह जाता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहां पर जो B से A आ रहा है, ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कुछ, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जो कुछ ऑफर करेगा उसको अपोजिशन। तो मैं कहता हूं EMF जो होगा उसमें नेटवर्क डन किस किस का जुड़ेगा बच्चों, नेटवर्क डन जुड़ना चाहिए यहां का V का टर्मिनल वोल्टेज, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस का, प्लस यहां का इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये वाली जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ले ली V, ये मैंने ले ली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R की, और ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ले ली किसकी, स्मॉल R की, और दोनों का टोटल सम किसके इक्वल हो गया, EMF के इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों ही वोल्टेज इस पूरे सर्किट का पार्ट है। तो बेटा V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ में, तो आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो व्हाट डज इट बिकम, ये बन जाएगी यहां पे I इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू ई, तो I बराबर क्या आ जाएगा, E डिवाइड बाय R प्लस आर। ये करंट की इक्वेशन होती सेल के लिए, और अब हम बनाएंगे बेसिक इक्वेशन ऑफ ए सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको आई आर को V लिख सकता हूं ना, V से ही बनाया था, तो बेटा E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, सो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। जब भी सेल डिस्चार्ज हो रहा है, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ अ सेल, ये आपको रिमेंबर करनी है अच्छे से, अच्छे से याद करनी है सभी बच्चों ने, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ अ सेल,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी इज व्हाट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से वोल्टेज ऑफ द सेल इन द क्लोज सर्किट, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इन द क्लोज सर्किट. व्हाट इज ई? ई इज ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इन द ओपन सर्किट. आई इज व्हाट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट. स्मॉल आर इज व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. तो V क्या है, दोबारा सुन लो, V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इन द क्लोज सर्किट. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन द ओपन सर्किट. एंड I इज व्हाट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, एंड R इज व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. तो यहां जो अभी मैंने कराया, एक तो बेसिक इक्वेशन ऑफ ए सेल नोट डाउन करो और एक करंट का फॉर्मूला नोट डाउन करो, I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R प्लस R. इससे आगे हम पढ़ेंगे कि भाई बेसिक इक्वेशन ऑफ ए सेल में और हम कैसे इसको बना सकते हैं. देखिए इधर, तो बेसिक इक्वेशन ऑफ ए सेल क्या आ गई हमारी, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ द सेल. कब है ये इक्वेशन? जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है. When cell is discharging, मतलब discharging होने का मतलब some current is drawn from it. जब current कुछ draw हो रहा है इसमें से, use कर रहे जब हम इसको, some current is drawn, कुछ current निकाल लिया, discharge हो गया भाई cell, तब ये equation आपने use करनी है. एक बारी बेटा चार्जिंग का क्वेश्चन आया था, मान लो कोई कार बैटरी उसको चार्ज कर रहे हैं, तब इक्वेशन उल्टी हो जाती है और तब फार्मूला होता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर. इसके बहुत कम क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल है. ड्यूरिंग चार्जिंग याद रखें सेल की इक्वेशन होगी ई प्लस आई आर, ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान, यानी आप सेल को डिस्चार्ज नहीं कर रहे, उसका यूज नहीं कर रहे, बल्कि उसको एक्सटर्नल से चार्ज कर रहे हैं, तब इक्वेशन होगी ई प्लस आई आर, ड्यूरिंग चार्जिंग. इसके कम प्रॉब्लम्स हैं, इसकी ज्यादा है. तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर कब है? जब करंट ड्रॉ कर रहे हो, यानी आप यूं लगा लो एक सेल लिया आपने, उसके बल्ब अटैच कर दिया, सेल में से करंट निकल रहा है, बल्ब को ग्लो करवा रहा है, तब ये इक्वेशन है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. V क्या है इसमें? वोल्टेज ऑफ अ सेल इन द क्लोज सर्किट, इट इज द वोल्टेज ऑफ अ सेल इन द ओपन सर्किट, आई करंट है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है. यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, करेक्ट. तो आई आर को हम लिख सकते हैं ई माइनस वी, आर को हम लिख सकते हैं ई माइनस वी डिवाइड बाय आई, और वी इक्वल टू क्या था लास्ट जो मैंने विरोध किया उस पर, वी इक्वल टू आई आर था, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, वी बाय आर, ओम्स लॉ लग गया, आई की वैल्यू यहां रख दें वी बाय आर, तो आर बिकम्स व्हाट, ई माइनस वी डिवाइड बाय वी इंटू आर. ये आई की वैल्यू मैंने यहां रख दी V by R. This is the formula of internal resistance of a cell. तो बेटा internal resistance of a cell का formula आ गया. अब ये वाला note down कर लें, ये note down करें और ये वाली 1, 2 and 3 इनको आप note down कर लें. Internal resistance का formula होता है EMF of a cell minus terminal voltage divide by terminal voltage into external resistance जो connect कर रखा है. ये जो wire है जो हमने cell के बाहर attach की थी उसका resistance है R. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कुछ दो तीन ग्राफ, ग्राफ्स में इन इक्वेशंस का हम यूज करेंगे. देखो भी फटाफट, देखिए इक्वेशन क्या है, बेसिक इक्वेशन V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है. करंट का क्या फॉर्मूला है? E बाय आर प्लस आर, जो अभी तक पढ़ा उसकी बात कर रहा हूं. R का क्या फॉर्मूला है? E माइनस वी बाय वी इंटू आर. ये तीन बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको कराए. प्लस का साइन आ जाएगा अगर सेल चार्ज हो रहा तो, एक आधा क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्सरसाइज में. अब बेटे सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर करंट जीरो हो जाए, करंट जीरो कब होगा? जब सेल यूज नहीं होगा. सेल यूज नहीं होगा तो सेल किस में होगा? ओपन सर्किट में. सेल इज इन दी ओपन सर्किट. तो अगर करंट जीरो हो जाएगा तो सेल किस में होगा? ओपन सर्किट में. ओपन सर्किट में होगा, यहां आई जीरो करना, वी इज इक्वल टू ई आ गया. सही बात है, मतलब वोल्टेज जो है ईएमएफ के इक्वल होती है
जब सेल ओपन सर्किट में होता है। अगर हम उसको ना लें तो आप देख रहे हो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर है नॉर्मल कंडीशन में ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब E में से कुछ माइनस हो रहा है तो E ग्रेटर है ना V से, तो नॉर्मली जो है E इज ग्रेटर देन V। E इज ग्रेटर देन V कब? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। और बेटा एक्सेप्शनली V इज इक्वल टू E प्लस आई आर में, इसमें ये कब है? ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान V बड़ा भी हो सकता है E से। तो तीन केस हैं, दोबारा देख लें। जब सेल यूज ही नहीं हो रहा, ओपन सर्किट में है, तो I की वैल्यू यहां पे जीरो रख दो, ये सारी टर्म जीरो होगी, V इज इक्वल टू E आ गया, वोल्टेज इज इक्वल टू EMF। जब सेल क्लोज है पर डिस्चार्ज हो रहा है, यूज हो रहा है, तब E बड़ा है V से, क्योंकि अगर मान लो ये 100 है, ये 20 है, 100 में से 20 का 80 आया, तो 80 तो 100 से लेस है, तो E इज ग्रेटर देन V। लास्ट था V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, अगर ये 100 है और इसमें 20 ऐड हो रहा है तो ये 120 बन गया, 120 इज ग्रेटर देन 100, सो ड्यूरिंग चार्जिंग वोल्टेज इज ग्रेटर देन EMF ऑफ दिस सेल। तीन केस बड़े इंपॉर्टेंट है, वन मार्क में पूछे जा सकते हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे E का और कैपिटल R का, देखिए। E का और कैपिटल R का देखिए भाई। हाँ जी, एक पॉइंट है बेटा, EMF ऑफ अ सेल, सेल की खुद की प्रॉपर्टी है या उसके में बाहर की वायर का कोई रोल है? EMF ऑफ अ सेल खुद सेल की प्रॉपर्टी है। EMF ऑफ अ सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस लगाओगे सेल से, उससे EMF से कुछ नहीं लेना देना। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड, इसका मतलब E और R का ग्राफ कैसा बनना चाहिए? E वर्सेस R, EMF और रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनना चाहिए? जब ये वाली चीज इस पर डिपेंड ही नहीं करती तो ग्राफ ये बनेगा ना, ये ग्राफ बनेगा। तो इंपॉर्टेंट है, सभी नोट करके चलें, E और कैपिटल R का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, क्लियर। अगला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ नोट कर लो, E R पे डिपेंड ही नहीं करता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया। ये ग्राफ शो कर रहा है कि दिस क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस क्वांटिटी, तो ये वाली चीज इसके डिपेंडेंट नहीं है, ये वाली क्वांटिटी इसके इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करती। अगली बात है V और R का ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट ग्राफ है V वर्सेस R, V वर्सेस R ग्राफ देखना भाई ध्यान से, ये इक्वेशन उठाते हैं हम यहां से। हां जी, I जो है, I किसके इक्वल है, सॉरी जो R है आपका, V इज इक्वल टू किसके इक्वल बेटा? E माइनस आई आर के इक्वल है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं I किसके इक्वल है? E बाय R प्लस R के। यहां से अगर मैं R कॉमन निकालूं तो क्या आ जाएगा हमारा? E बाय R, 1 प्लस R बाय R, क्लियर। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि भाई V जो होता है वो E के इक्वल होता है, कब? जब करंट जीरो हो, ठीक है, जब करंट क्या हो? जीरो। V जो है E बाय टू के इक्वल होता है जब क्या हो? R और R इक्वल हो। और बच्चों जो V है वो कब हुआ I बराबर जीरो के? जब R क्या हो गया आपका? इन्फिनिटी हो गया। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा बेटे? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इस पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट पर आकर R अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब R इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तब V इज इक्वल टू E होता है, या यूं कह लो करंट जीरो होता है। देखो आप ध्यान से, अगर मैं R की वैल्यू यहां इन्फिनिटी रख दूं तो ये सारी टर्म इन्फिनिटी होगी, E बाय इन्फिनिटी इज जीरो,
तो करंट जीरो आ गया, करंट जीरो होता है तो वी इक्वल टू ई होता है, मैंने पीछे पढ़ाया आपको, तो वी इक्वल टू ई कब होगा, आप कह सकते हो आई जीरो होगा, आई जीरो कब होगा जब आर इन्फिनिटी होगा, तो आर इन्फिनिटी पे, आर इन्फिनिटी पे ये पॉइंट पकड़ो, वी इक्वल टू ई है, R equal to infinity पे V equal to E है, तो V की वैल्यू ये वाली वैल्यू, R equal to infinity पे this value, this value is EMF, clear? V is equal to E by 2 है, V is equal to E by 2 है, कब है ये वैल्यू, जब R is equal to R है, ये कैसे प्रूव करें, अब आपको कहीं नहीं नजर आ रहा ये कहां से आएगा, बेटा यहीं से आएगा इस इक्वेशन से, R को उधर ले जाओ, तो IR, प्लीज ध्यान से देखना ये वाला स्टेप, E by 1 plus R by R, स्टूडेंट्स ओम्स लॉ से ये V बन गया, तो V is equal to E by 1 plus R by R, तो बच्चों मैंने लिखा है V is equal to E by R, E by 2 हो जाएगा जब R is equal to R हो जाएगा, R और R equal होंगे तो कट के बनाएगा, 1 plus 1 2 आ गया, तो V is equal to E by 2 आ गया, तो जब R equal to R होगा तो V is equal to E by 2 आ जाएगा, तो जब मान लो यहां पे R is equal to R है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू E by 2 की होगी, क्लियर, R is equal to R पे ये कोरस्पोंड कर रहे हैं आपस में कोऑर्डिनेट, R is equal to R पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E by 2, और लास्ट है जब जब आपके R की ही वैल्यू जीरो है यहां पे, तो V की वैल्यू भी क्या है, जीरो है बेटा, ये वाली बात यहां पर मैंने आपको बताई कि भाई अगर हम R को यहां जीरो कर दें, यहां पर अगर हम R को जीरो कर दें और ये ऊपर जाएगा, जीरो जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो जीरो हो जाएगा, तो बेटा V जीरो कब होगा, जब R किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, तो बड़ा आसान ग्राफ है, तीन पॉइंट दोबारा समझा रहा हूं, उसके बाद हम लेक्चर को खत्म करते हैं यहीं पर, अगला मैं सेल का ग्राफ आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, दोबारा देखिए इस ग्राफ को आराम से देखना, सबसे पहला पॉइंट है V is equal to E कब है, V is equal to E है बेटे जब करंट जीरो है, करंट को कहां जीरो करोगे आप, करंट को आप यहां पे जीरो कर दो, जीरो कब होगा जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, करंट जीरो, V is equal to E, क्लियर, तो V is equal to E आएगा कब, जब करंट जीरो हो जाएगा, यहां करके देख लो V is equal to E आ रहा है, क्लियर, अगली बात है V is equal to E by 2 कब आएगा, ये इक्वेशन है R और R इक्वल 1 प्लस 1 2 हो गया, तो E by 2 आ गया, कब आया R इक्वल टू R पे, V की वैल्यू E by 2 आ गई, और लास्ट है हमारा जो V है वो जीरो कब आएगा, हमारा जो V है बेटे वो होता है E by 1 प्लस R by R, अगर ये वैल्यू जीरो है, LCM लूंगा तो ऊपर जाके जीरो से मल्टीप्लाई होगी, तो V हमारा जीरो आ जाएगा जब R जीरो को अप्रोच करेगा, आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर, आप इसके 1 2 एंड 3 ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इस ग्राफ को प्लॉट कर लेना विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक इक्वेशन ऑफ ए सेल एंड दिस 3 फॉर्मूलाज, आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज मच कॉम्प्लिकेटेड देन अदर टॉपिक्स जो हमने पहले पढ़े उनसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू वेरी मच।